वहीं मेरठ में जागरण को लेकर बीजेपी नेता और इंस्पेक्टर सिविल लाइन आमने सामने आ गए। भाजपा नेता कमल दास शर्मा और इंस्पेक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। भाजपा नेता ने दावा किया है कि इंस्पेक्टर ने कहा है हाईवे पर जागरण नहीं होने दूंगा। हाशिमपुरा इलाके में 2 मई को जागरण होना है। भाजपा नेता ने दावा किया कि वो हर साल जागरण करवाते हैं, लेकिन इस बार दरोगा जागरण पर रोक लगवा रहे हैं। बीजेपी से कमल दत्त शर्मा ने 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है। है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं।